नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पोर्टेंट लेक्चर हमारे बायोलॉजी की सीरीज में। दोस्तों इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के वेरियस इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स, जैसे कि आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप में क्या होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआस, वायरस, उसके अलावा एल्गी, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और इनका क्या रोल है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी आप लोग ब्रॉड मीनिंग तो समझते ही हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट हाउ टू ऑफ देम आर कोरिलेटेड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर, ऐसे सभी टॉपिक्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर सीरीज रहने वाली है, या ये जो लेक्चर है, इट इज गोइंग टू बी इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल दी गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल दी स्टेजेस, चाहे फिर वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। वैसे मैंने ये जो लेक्चर सीरीज है, आई हैव स्पेशली डिजाइंड कीपिंग इन माइंड दी सिलेबस ऑफ MPPSC GS3 एग्जाम। फाइन दोस्तों, इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में, सो प्लीज गो थ्रू इट। एंड दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता। फाइन दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि इफ एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन एक्सेसिंग एनी ऑफ द रिसोर्सेज, कोई लेक्चर प्राइवेट लेक्चर है या फिर किसी लेक्चर के PDF या नोट्स को आप एक्सेस करना चाहते हो, सो देयर इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, दैट इज www.streetzero.in वाली वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे आपको सारे रिसोर्सेज लोकेट कर सकेंगे, देख पाएंगे आप। फाइन तो वहां पे मैंने MPPSC के लिए, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी अपलोड की है, बहुत सारे रिसोर्सेज अपलोड किए हैं, और ये सारे के सारे लेक्चर्स भी वहीं पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन आता है तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर 08447022777। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर, अगर कहीं पे डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो वैसे तो जो हमारे सिलेबस की डिमांड है या जो टॉपिक मेंशन है, व्हाट डज दैट नीड टू स्टडीड, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंटरडिपेंडेंस पढ़ना है, इनका कोरिलेशन पढ़ना है। तो ये जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इसमें मैंने ये वाला जो आस्पेक्ट है उसको कवर किया है, और उसी को ही हम लेक्चर के दौरान कवर करेंगे। लेकिन जस्ट फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी स्टूडेंट, व्हाट आई हैव डिड कि मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक सेपरेट, मतलब उसके लिए भी बहुत टॉपिक, यानी जो उसके लिए कोरिलेटेड मटेरियल होना चाहिए, उसको इंक्लूड किया है नोट्स में, और सिमिलरली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी किया है। तो उसकी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बाकी थोड़ा सा ब्रीफ मैं भी आपको बता दूंगा, क्विकली ओवरव्यू टाइप्स दे दूंगा। फाइन तो हैविंग सेड दैट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या फिर माइक्रोब्स किसे कहते हैं, तो ये टाइनी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इफ़ यू वांट टू सी देम देन आइदर यू हैव टू यूज़ मैग्नीफाइंग ग्लासेस और माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहली बार अगर किसी ने ऑब्जर्व किया था तो उनका नाम है एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। क्या है नाम? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या फिर जो 3 मार्कर्स पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इन जनरल ये जो आपके माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जनरली जैसे ही हम इनका नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई इससे तो कुछ ना कुछ डिसीज होगी, जैसे फंगल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज। तो इसीलिए सबसे पहले शुरुआत ही मैंने इससे की है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे होने वाले डिसीजेस कौन से हैं। अब आगे बढ़ें, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो मुख्यतः मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर क्लासिफाइड इंटू 4 मेजर टाइप्स। वॉट आर दोज? सबसे पहले हैं आपके बैक्टीरियाज, दूसरे हैं फंगाई, तीसरे हैं प्रोटोजोआस, और चौथे हैं एल्गी। अब यहाँ से आपको क्या याद करना है, इनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। जैसे कि बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं कॉकस, बेसिलस, स्प्रीलियम। फंगाई का है ब्रेड माउल्ड। ब्रेड, आपने फंगस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखा होगा, जो ब्रेड होती है और वो कुछ दिन रखी रहती है तो उसके ऊपर कुछ आपने देखा होगा ग्रेइश कलर की कुछ लेयर्स आ जाती हैं, दोज आर फंगस। पेनिसिलियम, एस पेरिगेलस। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, पैरामीसियम, प्लास्मोडियम। एल्गी की बात करें तो कैल्मीडोमोनास, स्पायरोगायरा। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ
ऑल दी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे कि मैंने बताया चार टाइप के हैं, तो आप उनकी पढ़ाई खुद से करिए। थोड़ी चीज़ें मैं बता देता हूँ सो देट आप उनको क्विकली समझ सकें जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बैक्टीरियाज क्या होते हैं, दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और इनकी रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है। अगर हम बैक्टीरियाज के टाइप की बात करें तो जैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, जैसे कि कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया या फिर स्पाइरल शेप्ड। अच्छा ये दोबारा से रिपीट हो गया है, सॉरी पहला वाला, ये वाला जो मैंने बताया था दैट इज स्फेरिकल एंड नाउ दिस वन इज स्पाइरल, फाइन। सो दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज एंड हेयर आर दी एग्जाम्पल्स, आप अच्छे से इनको पढ़ लेना। आगे चलें फंगाई की बात करें तो फंगस क्या होते हैं, ये एक्चुअली फंगस जो हैं जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सॉरी हाँ, तो जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा फंगाई के बारे में भी, ठीक है, जब प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी इतना जान लो प्लांट जो फंगाई होते हैं वो भी एक तरीके से प्लांट्स के ही फॉर्म है, बट ये ग्रीन नहीं होते, जनरली प्लांट्स ग्रीन होते हैं और ग्रीन होने की वजह से वो अपना खाना यानी फूड खुद सेल्फ कुक कर सकते हैं, इसीलिए उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। लेकिन फंगाई जो हैं वो ग्रीन ना होने की वजह से फूड कुक नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये कैसे काम करते हैं, पैरासिटिक टाइप का इनका नेचर होता है। पैरासिटिक का मतलब जो दूसरों से न्यूट्रिशन को ड्राइव करें। जैसे फंगाई का एक एग्जाम्पल है पुसीनिया। पुसीनिया ये क्या करता है, वीट लीफ जो गेहूं की पत्ती होती है उसमें रस्टिंग का काम करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर पे प्रॉस्पर या ग्रो करते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, देखिए दो जो अगर हम सेल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सेल्स दो टाइप के होते हैं, ये भी हम आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल का मतलब होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है या तो होता नहीं है या फिर डेवलप्ड नहीं होता है। यूकैरियोटिक वाले सेल्स इस टाइप के सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो। सो दीज आर फंगस। फंगस के कुछ कंपोनेंट की बात करें तो एक होता है हाइफे और दूसरा होता है स्पोर्स। हाइफे का मतलब क्या हो गया, ये थ्रेड लाइक का एक फ्लामेंट होता है, मतलब एक धागे किस्म का एक फ्लामेंट होता है जो कि किसी भी जो भी जिसके ऊपर ये जो भी होस्ट होता है उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाता है और उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तोड़ना शुरू कर देता है, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स एक तरीके से इनका ये समझ लो बीज होता है जिसकी वजह से ये अपना रिप्रोडक्शन या ग्रोथ इंश्योर करते हैं, ठीक है। तीसरे आते हैं एल्गाइस के ऊपर, जिसको हम लोग हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको काई के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा जो पानी, जहाँ पे पानी काफ़ी समय तक रहता है तो वहाँ पे एक ग्रीन कलर की कुछ एक लेयर बन जाती है, वही एल्गी होती है। एल्गी वैसे तो हमने जनरली ग्रीन कलर की देखी है, अदरवाइज ये और भी कलर्स की होती है जैसे रेड, ब्राउन, ग्रीन, ठीक है। एल्गीज होते क्या हैं, ये भी प्लांट के ही टाइप हैं पर ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं नेचर में। इनके पास सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बारे में याद रखना, जो भी प्लांट होगा, अगर कोई भी देखिए जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल एक सेल का पार्ट होता है, जो जिसके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उसको सेल बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। ये जो सेल्स होते हैं ये दो टाइप से और क्लासिफाई कर सकते हो आप, एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ही सिर्फ सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तो जिसके अंदर सेल वॉल है उससे भी हमें अंदाजा लग जाता है कि वो एक प्लांट होना चाहिए। उसके अलावा इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी मदद से प्लांट्स जो हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो अगर किसी के अंदर क्लोरोफिल होगा तो वो फूड प्रिपेयर कर पाएंगे, फूड प्रिपेयर कर पाएंगे तो उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर। ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं बायोलॉजी में वो दो किस्म से क्लासिफाई होते हैं, या तो हम उनको यूनिसेल्यूलर कहते हैं या फिर मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। अगर हम एल्गीज के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि डाइएटम्स, क्लैमीडोमोनास एंड सीवीड, क्लियर हो गया, एल्गी हो गए। चौथे आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है कि यूनिसेल्यूलर हैं, स्पेसिफिकली मतलब एक सेल के बने हुए होते हैं। ये जो हैं इंडिपेंडेंटली रहते हैं, लेकिन कुछ जो प्रोटोजोआज होते हैं वो पैरासिटिक नेचर भी होता है। पैरासिटिक नेचर का मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, जहाँ से अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं। जो प्रोटोजोआज होते हैं, जो पैरासिटिक वाले प्रोटोजोआज होते हैं, वो काफ़ी किस्म की डिसीजेज को भी कॉज कर देते हैं प्लांट एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में। अगर कुछ प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि अमीबा, प्लास्मोडियम, पैरामीसियम, क्लियर है। अच्छा,
अब हमने अगर चारों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख लिया है, तो अब ये बात करते हैं ये मिलते कहाँ हैं जनरली, मतलब कहाँ रहते हैं। तो देखिए, ये किसी भी कंफर्टेबल, नॉन कंफर्टेबल या फिर एडवर्स टाइप के किसी भी क्लाइमेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चिल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, या हॉट स्प्रिंग्स हैं, डेजर्ट्स हैं, मार्सीलैंड्स हैं, कहीं पर भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और जो जैसे कि मैंने बताया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ सेल्स की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कहीं पे ये अलोन एग्जिस्ट करते हैं और कहीं पे ये कॉलोनीज बना लेते हैं, मतलब मिलियंस और बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट अ सिंगल साइट, सो दैट इज कॉल्ड कॉलोनीज। क्लियर है? अब जैसे कि हमने बात की बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वैसे तो वायरस, बट वायरस आपको पता होना चाहिए, ना ही हम इसे लिविंग मानते हैं और ना ही नॉन लिविंग मानते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिविंग टाइप की होती है, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी शो करता है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग सेल शो करे, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज शो करता है जैसे कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपके सामने आपका ये लैपटॉप है, ये नॉन लिविंग है। तो ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टीज़ को ये वायरसेस भी शो करते हैं। वायरस जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हैं, बट दे आर डिफरेंट देन दी माइक्रोब्स। क्यों क्या सबसे मुख्यतः सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इनका जो ये अपनी अपनी ग्रोथ कैसे इंश्योर करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये तभी कर पाते हैं व्हेन दे आर लिविंग इनसाइड दी सेल ऑफ एनी होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरसेस आर ऑल्सो दे आर ऑल्सो वेरी मच स्मॉलर, इनफैक्ट दे आर स्मॉलर देन दी बैक्टीरियाज, एंड दे आर दे डू ऑल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। फाइन, उसके अलावा वायरस के बारे में यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, तो इसीलिए ये सेल्फ स्टडी कर सकते हो, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अब अपनी क्या है कोरिलेशन, तो जैसे कि बताया हमारे दिमाग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके एक ही स्टीरियोटाइप है, एक ही प्रेजुडिस है, दैट इज़ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ डिसीज कॉज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं, या समटाइम्स दे एक्ट एज एक्ट इन दी फ्रेंडली मैनर फॉर दी ह्यूमन बींग्स, बट समटाइम्स दे वर्क अगेंस्ट अस बाय कॉजिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ डिसीजेज। तो जैसे बेनिफिशियल की अगर हम बात करें, तो जैसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप घर पर दही बनाते हो, ब्रेड जो बनती है, या केक्स जो बनते हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। अल्कोहल जो ड्रिंकिंग पर्पस या बेवरेजेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का ही इस्तेमाल होता है। बोलते नहीं है फर्मेंटेशन करवा रहे हैं, फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल से ही हमारा वो बनता है, क्या कहते हैं, अल्कोहल। उसके अलावा बात करें इन्वायरमेंट को क्लीन करना, जो आपने सुना होगा ना, बायो रेमिडिएशन एक टर्म होता है। क्या होता है? बायो रेमिडिएशन। इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू डिकम्पोज दी ऑर्गेनिक वेस्ट और इन ऑर्डर टू क्लीन दी एनवायरनमेंट। उसके अलावा नाइट्रोजन, जैसे आपने पता सुना होगा कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से खराब होती जा रही है ना, या डिग्रेड होती जा रही है, तो उसको री इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए या तो पल्सेस का को ग्रो करते हैं, क्योंकि पल्सेस के जो रूट होते हैं उसके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो नाइट्रीफाइंग या जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। सो दीज आर दी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। अगर हम बात करें इसी में अंदर डिटेल में जाएं, तो जैसे कुछ बैक्टीरियाज हैं वो किस तरीके से काम मदद करते हैं हमारी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब जो एनिमल रिमेन्स होते हैं, जो प्लांट, जो हम खाना वगैरह कुक करते हैं उसके बाद जो रेसिड्यू बच जाता है, किचन वेस्ट एक तरीके से, ऑल दोज आर ऑर्गेनिक वेस्ट। मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स आप लोग लेते हैं ना, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, वो भी इन्हीं से की मदद से बनती है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड, चीज, पिकल्स, फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने में भी बैक्टीरियाज हमारी मदद करते हैं। अगर हम बात करें ईस्ट, ईस्ट किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, तो ये बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाने के लिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ याद रखना, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप लोग पढ़ लेना। अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का कमर्शियल यूज़, तो कमर्शियल यानी बाजार में जो इसका लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होता है वो अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड यानी विनेगर के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। मेडिसिनल यूज़ की बात करें, तो एंटीबायोटिक टैबलेट्स, इंजेक्शंस या फिर
कभी कभी इनको हम लोग इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं कि वो जो पेस्ट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, उनको किल करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग। इन्वायरमेंट में भी मदद करते हैं, कैसे? बाय क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। कैसे करते हैं? वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए। जैसे कि आपने अभी, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 6 महीने पुरानी बात होगी कि जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन जापान की एक टीम ने एक इस तरीके का बैक्टीरिया फिगर आउट किया है जो कि प्लास्टिक को भी डिग्रेड कर सकता है ना। तो ऐसी न्यूज़ेज आती हैं, तो यानी ये इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने में भी काफ़ी मदद करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग की प्रोसेस कैसे होती है, ये वैसे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, और जिनको नहीं पता उनके लिए डेटा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग तो एक पार्ट हो गया, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन साइकिल को रन करने में। जैसे कि आपने बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में सुना होगा, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, कार्बन साइकिल के बारे में, ऑक्सीजन साइकिल के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में। तो ये जो साइकिल्स होती हैं वो एक तरीके से ये दिखाती हैं कैसे हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी न्यूट्रिएंट, केमिकल वगैरह आता है और किस तरीके से वो वापस जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है हमारा पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में अगर कोई गैस है वो है नाइट्रोजन, N2 कितनी है 78%। और ये जो नाइट्रोजन, फ्रीली अवेलेबल नाइट्रोजन है, इसका ना ही प्लांट और ना ही ह्यूमंस डायरेक्टली इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट सो यू नो डेवलप्ड कि वो उस फ्रीली अवेलेबल नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकें। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए कौन मदद करता है? हमारे बैक्टीरियास मदद करते हैं, वो इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद उससे जो प्लांट्स होते हैं वो फूड कुक करते हैं, या हम लोग जो हैं उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। क्लियर है? तो इसमें भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है, प्लीज़ आप इसकी सेल्फ स्टडी करें। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रिफिकेशन में, एसिमिलेशन में, अमोनीफिकेशन में, डीनाइट्रिफिकेशन में। तो और यहाँ पे आप देख रहे हो बैक्टीरियाज के नाम भी दिए हुए हैं, या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो काम करता है। जैसे नाइट्रिफिकेशन के लिए क्या होता है, अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करना होता है, और ये काम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। फिर इस नाइट्राइट को जब नाइट्रेट में चेंज करेंगे तो एक और नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म पिक्चर में आएगा, जिसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। फिर क्या हो गया, एक बार अगर ये नाइट्रेट्स बन जाते हैं तो प्लांट के अंदर कैसे जाएं, तो इसके लिए भी एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो एसिमिलेशन का काम करता है, मतलब ऐसी सो दैट जो प्लांट है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। फिर एक बार एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद क्या करना होता है कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं जो मतलब जो प्लांट और एनिमल डाई मतलब मर जाते हैं, तो अब क्या हुआ, जैसे नाइट्रेट था वो चला गया प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर जाने के बाद उसने एब्जॉर्ब कर लिया और प्रोटीन बना लिया। लेकिन कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा या तो प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल मर जाते हैं। तो जब वो मर गए तो उनके अंदर का जो नाइट्रोजन है उसको हम लोग बोल रहे हैं वेस्ट। तो इस नाइट्रोजन वेस्ट को दोबारा से यूजफुल मटेरियल बनाने के लिए जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो काम करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग अमोनीफिकेशन। और ऐसे ही फिर क्या होगा, नाइट्रेट्स वगैरह को नाइट्रोजन गैस में चेंज करना, यानी डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसमें एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करता है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है, आप ये देख रहे हो पूरी साइकिल यहाँ पे चल रही है। अभी हमने जैसे कि बात की फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, अब करते हैं कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस को डिसीज वगैरह कॉज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लिखे हुए हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनका स्प्रेड किस तरीके से होता है और उनसे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन सी डिसीज होती है और उसको कैसे इंश्योर करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, ये सारी एक लॉन्ग लिस्ट दी हुई है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। ऐसा नहीं है पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जिस लेक्चर में आएगा वहाँ पे पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ह्यूमंस को तो परेशान करते ही करते हैं, ये एनिमल्स और प्लांट को भी परेशान करते हैं। एनिमल्स में सबसे कॉमन डिसीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा करवाई जाती है वो है फूड एंड माउथ डिसीज़। अब अगर फिर से यहाँ से एक और बात उठती है, अगर आप लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, तो ये करंट अफेयर में अभी रिसेंटली अगर हम बात करें
जुलाई अगस्त सितंबर 2019 की एक खबर थी, जिसमें फूड एंड माउथ डिसीज को लेके हमारे जो कैबिनेट है, सेंट्रल कैबिनेट है, उसने एक डिसीजन लिया था, ठीक है, फूड एंड माउथ डिसीज, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। उसके अलावा एक और डिसीज़ होती है एंथ्रेक्स, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के द्वारा करवाई जाती है। प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिसीजेस को कॉज करते हैं। अब आप बोलेंगे प्लांट को कैसी डिसीज़, तो जैसे बोलते नहीं है पर लोग प्लांटों में कीड़े लग गए, है ना, तो जैसे कैसे कीड़े लग गए मैं दिखाता हूँ। ये जैसे कुछ प्लांट्स हैं, आप देख रहे हो ये कुछ अजीब सा शेप हो गया है, कुछ गंदे से हो गए, सो दिस इज़ कॉल्ड प्लांट डिसीज़, ठीक है। ये प्लांट डिसीज किसके द्वारा, किसकी वजह से कॉज होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्लांट डिसीजेस के नाम दिए हुए हैं, सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये यहाँ पे फ्रूट्स में होता है। फिर ऐसे ही जो गेहूं होता है, गेहूं में भी फंगस की वजह से रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, तो प्लीज आप इनको याद करें। अब जैसे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इंट्रोडक्शन देख लिया, वैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगेन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे कि पहले तो कहानी लिखी हुई है कि व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इम्पॉर्टेंट। मतलब पहले जो हमारे फोर फादर्स थे वो सबसे पहले किसका इस्तेमाल करते थे, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही इस्तेमाल करते थे। एक सेकेंड, हाँ, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब अगर हम स्पेशली इंडिया के केस में बात करें, तो जब 1970s आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आता है और उसमें जो केमिकल का इस्तेमाल होता है, भाई लोगों को तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि एकदम से जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का वो एकदम ही मल्टीप्लाई हो जाता है 4-5 times। लेकिन बाद में उस टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो हमें देखने को मिला कि भैया सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है ना। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो सही मायनों में रेवोल्यूशन तो है, मतलब भले ही ठीक है उस टाइम के लिए तो था, लेकिन आज के टाइम पर वो सस्टेनेबल नहीं है। इन ऑर्डर टू मेक दी कल्टिवेशन और दी एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, नाउ दी फार्मर्स और दी गवर्नमेंट्स आर रिजॉर्टिंग टू दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्हाई? बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब अगर आप इसे करते रहें मतलब सेंचुरीज तक, तो भी सॉइल की क्वालिटी वगैरह को कोई हार्म नहीं होगा और जो प्रोडक्शन है वो भी ऑप्टिमाइज रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन क्या होती है, विच इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ जस्ट द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट और द रियरिंग ऑफ एनिमल इन द नेचुरल वे। वॉट इज मीन बाय नेचुरल वे? नेचुरल वे का मतलब होता है कि आप किसी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है, किसी केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि लोकली और नेचुरली अवेलेबल मैन्योर्स हैं या कंपोस्ट है या ऐसी प्रैक्टिसेस कि जो कि जैसे कि एनिमल वेस्ट हो गया है ना, एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, तो इन सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए जो फार्मिंग की जाती है उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमारे देश का सबसे पहला स्टेट जिसको ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया, क्या आप लोग उसका नाम बता सकते हैं? चलिए जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये जो पहला पार्ट है जो आप फॉलो कर देख रहे हो, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिटेल्स दी हुई है, आप सेल्फ स्टडी करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन आई टोल्ड यू, पहली बात तो जो मॉडर्न फार्मिंग है वो अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल का मतलब कि भैया सॉइल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है नाइट्रेट्स की। ये नाइट्रेट्स फ्लो होकर पानी में जाते हैं और जिससे पानी जो होता है वो कंटेमिनेट हो जाता है, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके अलावा जो हम उसमें स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स का, वीडीसाइड्स का, वो बहुत पॉइजनस होते हैं और उससे क्या हो रहा है, फिर सुपर वीड्स, सुपर बग्स वगैरह बनते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, एग्जॉटिक स्पीसीज जो होते हैं वो आते जा रहे हैं। तो ये सारे मॉडर्न फार्मिंग जो है वो अनसस्टेनेबल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अपने कुछ इनहेरेंट बेनिफिट्स हैं। इनहेरेंट मतलब देखो, एक तो मॉडर्न फार्मिंग जो थी उसकी कमियां हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के उसके ऊपर कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन अच्छा होता है, हेल्थी होता है, पॉइजनस केमिकल इस्तेमाल नहीं होते हैं, ऑथेंटिकेटेड होता है, प्राइस कम होती है, टेस्ट अच्छा होता है, तो ये सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ की फ़ीचर्स की बात करें तो वो क्या हैं फीचर्स, जैसे कि सॉइल क्वालिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को इन्हांस करेंगे, ऐसे ही क्रॉप न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसकी प्रोविजनिंग करवाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, वीड और पेस्ट का कंट्रोल इस तरीके से करते हैं नेचुरल वे में। कैसे करेंगे, क्रॉप रोटेशन की मदद से, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज की वजह से, नेचुरल प्रिडेटर्स की मदद से।
तो ये इसके की फीचर्स होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मुख्यतः चार प्रिंसिपल्स पे काम करती है। वो चार प्रिंसिपल्स क्या हैं? जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ केयर। नाम जो हैं प्रिंसिपल्स के वो अपने आप में सेल्फ एविडेंट और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ का मतलब कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सॉयल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, सबकी हेल्थ को इंश्योर करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब इक्विटी और जस्टिस। जैसे आज की जो जनरेशन है वो तो अपने जो फूड ग्रेन्स वगैरह हैं उनको पा सकेंगे, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी ये सस्टेनेबल है। इकोलॉजिकल बैलेंस को इंश्योर करते हैं और केयर भी इंश्योर करते हैं। अब आते हैं हम आज के जो ये लेक्चर है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जो सबसे जो टॉपिक है उसके ऊपर, दैट इज़ दी कोरिलेशन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आप लोग समझ पा रहे हैं, अब आप समझ पाएंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे हमने बात की बहुत अच्छे हैं, बेनिफिशियल हैं या ख़राब हैं, लेकिन जिसकी मैं बात करनी है वो बात करनी है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी सॉइल, सॉइल यानी अब हमारी यहाँ से जो मेन कहानी है वो शुरू होगी। तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? ये लाइफ के वेरी स्मॉल फॉर्म्स हैं। जो लाइफ है, जो जीवन है, उसका सबसे छोटा एग्जाम्पल है, सबसे छोटा फॉर्म है ये। मुख्यतः सिंगल सेल्स होते हैं और कॉलोनीज में रहते हैं, ये अभी इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए वो मैंने एक्स्ट्रा डेटा आपको बताया है, तो जो डेटा बताया वो अब इस वाले मेन टॉपिक में हमारे आएगा। मुख्यतः ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? टॉप सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको सॉइल वाली सॉइल डिटेल्स के बारे में पता होगा तो सॉइल प्रोफाइल होती है, जिसमें क्या होती है, सबसे ऊपर वाली सॉइल को बोलते हैं टॉप सॉइल, फिर उसके नीचे सब सॉइल्स होती हैं, लेयर आती जाती है, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ठीक है ना। तो ये टॉप सॉइल में रहते हैं। उसके अलावा प्लांट की जो रूट्स होते हैं उसके बगल में, उसके पास रहते हैं, सो दैट वो एसिमिलेशन का काम कर सकें। मुख्यतः जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये प्राइमरी डिकम्पोजर का काम करते हैं। प्राइमरी डिकम्पोजर का मतलब कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, मैन्योर्स वगैरह होते हैं, उनको यूटिलाइजेबल बनाने के लिए ये उसको डिकम्पोज करते हैं, एसिमिलेट करवाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ वीडिसाइड्स वगैरह होते हैं, उनकी ग्रोथ को क्या करेंगे ये लोग, इनहिबिट करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन हमें समझ में आ गया। अगर हम सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है बैक्टीरिया का। एज आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन दैट बैक्टीरिया कैन लिव इन एनी हैबिटेट, इनफैक्ट दे आर फाउंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स। उसके अलावा ये जैसे कि फ्लडेड सॉइल में भी रह सकते हैं। फ्लडेड सॉइल यानी कोई ऐसी सॉइल जो पूरी पानी से भरी हुई है ना, या जिसका पीएच भी जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक है या न्यूट्रल है, वहाँ पे भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है दैट दीज बैक्टीरियाज आर यूबीक्विटस, दे आर एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। नाउ हाउ वुड दे हेल्प दी फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो वट दे डू, दे हेल्प इन आइदर डिकम्पोजिंग द रेसिड्यूज और इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉस्फोरस है तो उसका ये लोग फिक्सेशन करवाते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाते हैं इस तरीके से। उसके अलावा अगर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन में, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक ये तो यहाँ पे फंगाई का फोटो आ गया, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो एक्चुअली उसका नाम नहीं है दिया हुआ, कहाँ गया, चलो अभी थोड़ी देर में अभी वो डिटेल में आएगा तब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टिल देन उसके अलावा यहाँ पे ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वगैरह करवा रहे हैं, उसके अलावा ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये सॉइल को इनरिच भी करते हैं बाय प्रोवाइडिंग दी ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह प्रोवाइड करके भी ये सॉइल को इनरिच करते हैं। यहाँ पे उन्हीं सारे क्या कहते हैं जो बैक्टीरियाज के ग्रुप्स हैं उनके नाम वगैरह भी दिए हुए हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एक्टिनो माइसाइट, क्या है स्पेलिंग, ACTINO, एक्टिनो माइसाइट, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है कि जो लिग्निन होता है, लिग्निन एक समझ लीजिए आप कंपाउंड या सब्सटेंस है, उसके मॉलिक्यूल को ये स्मॉलर साइज में ब्रेक कर देता है। तो इस तरीके से ये सॉइल के इनरिचमेंट का काम करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिग्निन। लिग्निन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लिग्निन इज़ अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फाउंड इन प्लांट टिश्यूज़।
स्पेशली स्टेम्स। नाउ तो इसी के साथ हमने देख लिए बैक्टीरियाज के पर्पस, अब बात करते हैं फंगाई। तो फंगाई जो है वो एक अलग दूसरे टाइप का सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसके हम लोग जैसे कि फंगाई का एक एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट जैसे कि अल्कोहल के प्रिपरेशन में या बेकिंग पर्पसेस में इस्तेमाल होता है, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए काम में आता है, इससे काफ़ी प्लांट डिसीजेज भी होती हैं। लेकिन अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है ऑर्गेनिक रेसिड्यू के डिकम्पोजिशन से। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक डिवरेस होती है उसको ये सॉफ्ट कर देते हैं, सो दैट क्या होगा कि जो बाकी के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो सॉइल में बाकी के ऑर्गेनिज़म होंगे, वो भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस में अपना हाथ बटा सके, अपनी हेल्प कर सके। मतलब जो जो प्लांट के लिए उनको ऑर्गेनिज़म्स को सॉरी जो सॉइल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उसको वो खुद से ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो पहले क्या करेगा, फंगाई जो है वो उनको छोटा तोड़ के देगा। अब एक बार वो जो उसने उनके छोटे छोटे डिवरेसेस बना दिए, सॉफ्ट कर दिया, तो ये जो सॉफ्ट डिवरेस होते हैं इनको फर्दर इनके ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं बाकी के ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें भी ये मदद करते हैं। उसके अलावा जैसे जो लिग्निन होता है, अभी मैंने आपको बताया लिग्निन एक इस तरीके का मॉलिक्यूल है जो कि प्लांट की स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। और ये एक्चुअली लिग्निन का मेन पर्पस क्या होता है कि जो सेल्यूलोस, आपको पता होगा प्लांट वुड वगैरह किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोस, तो सेल्यूलोस डिकम्पोज ना हो जाए उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है लिग्निन। तो ये लिग्निन को भी डिकम्पोज करवाने में मदद करते हैं। उसके अलावा अगर कहीं पे कहीं की सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है एसिडिक, तो ये क्या होते हैं उस एसिडिक सॉइल में ज़्यादा अच्छी तरीके से रह पाते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एसिडिक सॉइल में ज़्यादा अच्छे से नहीं रह पाते। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसी सॉइल है जहाँ पे टिलिंग, टिलेज जिसको बोलते हैं, टिलेज, आपने ये शब्द सुना होगा सॉइल टिलिंग, मतलब सॉइल को अच्छे से वो हल नहीं चलाते हैं, उस वो चीज़ अगर नहीं की गई हो तो अगर कहीं पे लो सॉइल डिस्टरबेंस है वहाँ पे फंगल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाता है। और जब फंगल ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा तो वो किस में मदद करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह इन्हेंस करने में मदद करते हैं। फिर उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट काम किया जाता है फंगस के द्वारा या फंगाई के द्वारा, दैट इज़ दी फॉस्फोरस न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स होते हैं, आपको पता होगा प्लांट के लिए कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दोज न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो यानी ये जो फॉस्फोरस है वो भी फंगस के द्वारा बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है किसको, प्लांट को। और मुख्यतः ये जो फंगस होते हैं वो सिम्बायोटिक इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसा एक रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर हैं जो एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो फंगस है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सॉरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, कौन से न्यूट्रिएंट, जैसे फॉस्फोरस या नाइट्रोजन। और ये जो प्लांट होगा, प्लांट इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करेगा इस फंगस को, कुक्ड फूड या फिर जगह, रहने की जगह, साइट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अगर एल्गे के बारे में बात करते हैं, ये तीसरा टाइप का हमारा जो सॉयल ऑर्गेनिज्म है। तो सॉयल और ये जो आपका एल्गे होते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी कि दीज आर दी प्लांट्स जो ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि खुद का भी खाना बना सकते हैं। कहाँ पे रहते हैं, नॉर्मली ये एक्वेटिक होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी वगैरह हो। तो अब आपने पता, आपको पता होगा जो पैडी क्रॉप होती है यानी राइस, चावल की जो खेती होती है उसमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जनरली जो जो सॉइल की फील्ड होती है उसको पानी से इतना भर देते हैं, एकदम फ्लडेड कर देते हैं। जब वो फ्लडेड रहती है तो वहाँ पे क्या होती है, एल्गल ग्रोथ हो जाती है। ये जो एल्गी होती है ये बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि सबसे पहले तो ये क्या करती है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको अगेन तोड़ने में, न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में, और जो हमारी मेन क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद करती है। तो यही इसका एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके अलावा एक टर्म याद रखना है इस पोर्शन से, दैट इज़ लिचिंस। ये लिचिंस क्या होते हैं, लिचिंस इज़ दी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंगस एंड एल्गी। तो ये जो एक तरीके से जो फंगस है, जो हमने अभी देखा कि फंगस जो है प्लांट ग्रोथ के लिए या एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये खुद से एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये इसके लिए जो कॉलोनीज प्रोवाइड करते हैं, साइट रहने की प्रोवाइड करते हैं, वो कौन करते हैं, एल्गीज प्रोवाइड करते हैं। और इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, लिचिंस। और ये जो लिचिंस होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा ड्राई लैंड वाली जगह या एडवर्स क्लाइमेट वाली जगहों पर एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ये प्लांट ग्रोथ वगैरह इंश्योर करवाते हैं। चौथे आते हैं, चौथे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दोज आर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मैं आपको बता चुका हूँ, ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं,
बाकी जैसे बैक्टीरिया या फंगाई के बारे में बात किया, तो ये भी ना नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हो, इसके लिए भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोटोजोआज जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के। सेकेंडरी मतलब जैसे कि अभी आपको मैं फंगाई के बारे में बता रहा था, फंगाई क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो ऑर्गेनिक वेस्ट की डिब्रेस होती है उसको क्या कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। ये सॉफ्ट हो जाने की मदद से फिर क्या होते हैं, जो प्रोटोजोआज टाइप के एनिमल होते हैं वो इस डिब्रेस पे एक्ट कर पाते हैं और डिकम्पोज करते हैं। फाइन, तो ये हो गया प्रोटोजोआ, यानी एक तरीके से लेबर का काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके बारे में और डिटेल दी हुई है कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग इज कॉमन टू ईच एंड एवरीवन। अब जैसे कि हमने बात कर ली सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो किस तरीके से मदद कर रहे हैं, अब आप दो टर्म याद रखिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ना उनके दो काम होते हैं मुख्यतः एग्रीकल्चर में, वन इज बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे और दूसरा होता है बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर के तौर पे। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वीड्स या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स या कुछ ऐसे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म्स यानी हार्मफुल पेस्ट, ये जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसको ना उसको में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉज करते रहते हैं, तो इनको रोकने के लिए हम लोग या तो पेस्टिसाइड या वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका इस्तेमाल ना करना पड़े और हम किसका इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का। तो यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म एक तो इनका रोल होता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट और दूसरा रोल होता है इनका बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र के तौर पे। बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, किसी और केमिकल के फिक्सेशन के लिए, फॉस्फोरस फिक्सेशन के लिए, ठीक है ना। तो दो रोल प्ले किए जाते हैं और ये दोनों रोल जिस भी एग्रीकल्चर में, मतलब जब जहाँ पे अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे उस एग्रीकल्चर को ही हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो अब आप टॉपिक को कोरिलेट कर पा रहे हो जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट का सबसे पहली बार ये नाम किसने कॉइन किया था, ये नाम कॉइन किया गया था हैरी स्मिथ के द्वारा। क्या है नाम, HARRY बाय हैरी स्मिथ। हैरी को याद कर लो, हरा यानी ग्रीन यानी एग्रीकल्चर। तो हैरी स्मिथ किस फील्ड से हैं, अपने बायो कंट्रोल एजेंट का नाम कॉइन आउट करने के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला ये जो बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं इनके एडवांटेज क्या हैं, ये पॉल्यूशन फ्री हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, कि मतलब कहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर बायो कंट्रोल एजेंट ही इस्तेमाल किया जा सकता है, सो दैट बहुत अच्छे से काम हो सके, और एक्सपेंसिव, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरियाज में दो एजेंट्स का नाम याद रखना, एक है स्यूडोमोनास और दूसरा है ज़ेंथोमोनास। ये हर्बिसाइड और वीडिसाइड के तौर पे काम करते हैं ये वाले बैक्टीरियाज। तो जैसे कि मैंने बताया ये हर्बिसाइड के तौर पे काम करते हैं, जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं उनको ये सस्पेंड करवाते हैं, कौन से, स्यूडोमोनास और ज़ेंथोमोनास। जैसे कि जब मैं आपको बता रहा था ये स्पोर्ट्स किसका क्या काम करते हैं, रिप्रोडक्शन में, तो बैक्टीरियल ग्रोथ प्लांट में ना हो उसको सस्पेंड करने के लिए ये दो बैक्टीरियाज होते हैं, कौन से, स्यूडोमोनास और ज़ेंथोमोनास। ये मेजर क्रॉप के लिए हार्मफुल नहीं होते, वीड्स को कंट्रोल भी कर लेते हैं। स्यूडोमोनास और ज़ेंथोमोनास की क्लास में एक जो एग्जाम्पल याद करोगे वो है प्रोटीजेंस। फाइन, बात करें फंगाई की, तो फंगाई में तीन या चार ऐसे नाम हैं जिनको आपको याद रखना है। एक है व्यूबेरिया, ठीक है। दूसरा है फाइटोथोरा एंड थर्ड वन इज ट्रेकोडर्मा। थोड़ा सा नाम टफ है बोलने में, लेकिन 8-10 बार बोल लीजिए तो याद हो जाएगा। क्या है, व्यूबेरिया, दूसरा है फाइटोथोरा एंड थर्ड वन इज ट्राइकोडर्मा। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। जो व्यूबेरिया है ये जो है, कोई भी अगर जैसे क्रॉप है जिसमें वीडिसाइड या इंसेक्टिसाइड वगैरह आ गए हैं तो वहाँ पे इसके स्पोर्ट्स को स्प्रे किया कर दिया जाता है और ये फिर बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड के तौर पे काम करता है। इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट को मारने वाला, ठीक है। जैसे कि बटरफ्लाइज हैं, व्हाइट फ्लाइज हैं, मीली बग्स हैं, माइट्स हैं, तो इन सबको कंट्रोल करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, व्यूबेरिया का। तो ये ब्यूबेरिया क्या है, एक फंगस है और जो कि इंसेक्टिसाइड के तौर पे काम करता है। फाइटोप्थोरा प्लामी वेरा क्या है, ये मिल्क वीड जो होता है उसके लिए पैथोजन का काम करता है। कोई भी अफेक्टेड क्रॉप होगी तो वहाँ पे इसके स्पोर्ट्स को डाल दिया जाता है और ये फिर उसको रोकता है। ट्राइकोडर्मा अगेन एक ये फंगस है जो कि किसी भी प्लांट की रूट्स में रहता है, ठीक है,
किसी भी प्लांट की रूट्स में रहता है, और अगर कोई भी फॉलियर टाइप की डिसीज होती है उसके खिलाफ ये अच्छा काम करता है। ट्राइकोडर्मा के एग्जाम्पल की बात करें तो हर्जियानम एंड हेमाटम, ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा याद रखना, ट्राइकोडर्मा कहाँ पे रहता है, प्लांट्स के रूट्स में रहता है, और किस डिसीज़ को रोकता है, फॉलियर डिसीजेस को रोकता है प्लांट में होने से। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हर्जियानम, हर्जियानम, हेमाटम, फाइन, डैक्टिलेरिया एंथ्रोबोट्रिस, डैक्टिलेरिया एंथ्रोबोट्रिस, ये अगेन ये एक और फंगस है जो कि ट्रैप का काम करता है, किसके लिए, नेमाटोड्स के लिए, ठीक है। नेमाटोड्स क्या होते हैं, ये है, जब हम एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये एक और डैक्टिलेरिया एंथ्रोबोट्रिस, अगेन इट इज़ अ फंगस विच इज़ यूज टू ट्रैप दी नेमाटोड्स विच आर हार्मफुल फॉर आर प्लांट्स और क्रॉप्स। अब बात करते हैं प्रोटोजोअन्स की। प्रोटोजोअन्स जो कि बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका नाम है नोसीमा, नोसीमा, ठीक है, नोसीमा। तो जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल आपने देखा होगा, ग्रासोफर, कैटरपिलर या क्रिकेट्स, ये क्या होते हैं, प्लांट्स के जो टेंडर पार्ट होते हैं, जैसे लीफ या कोई फ्रूट्स वगैरह हैं तो उसको खा जाते हैं। तो इनसे प्लांट्स या क्रॉप्स को बचाने के लिए हम लोग नोसीमा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, काफ़ी पॉइजनस होता है, और ये क्या करते हैं, ये इनको प्रोपोगेट नहीं होने देते। अब एक और चीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे तो वायरसेस आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, बट वी कैन कंसीडर देम जस्ट फॉर दी सेक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे कि एक NPB होता है जो कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये ह्यूमंस को तो इन्फेक्ट नहीं करता है पर इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट कर देता है, तो जो जिप्सी मॉथ होते हैं, कैटरपिलर्स होते हैं, ये उनको किल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने एक एक करके देखा, जैसे हमने बात की बैक्टीरिया की, ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक बात की किसकी, फंगस की, फिर प्रोटोजोआस की, और फिर वायरसेस की। एक एक करके हमने सारे जो भी प्रोटोजोआस थे, सॉरी प्रोटोजोआ बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो किस तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे काम करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की जो कि बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर के तौर पे काम करते हैं। तो देखिए, पेस्ट्स जो होते हैं यानी वीड्स वगैरह जो होती हैं, दोज कैन बी कंट्रोल बाय बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट ने उनको पनपने से तो रोक लिया पेस्ट वगैरह को, लेकिन भैया सॉइल फर्टिलिटी का क्या? तो सॉइल फर्टिलिटी को इंश्योर करने के लिए, और आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल फर्टिलाइज़र का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं मैन्योर्स का, हम इस्तेमाल करते हैं कंपोस्ट का, हम इस्तेमाल करते हैं प्लांट रेसिड्यूज़ का, ठीक है ना, जो प्लांट रेसिड्यू होता है इसका। लेकिन ये जो प्लांट रेसिड्यू है, एनिमल रेसिड्यू है, मैन्योर्स है, मैन्योर्स और कंपोस्ट का हमें इस्तेमाल करना है, ये बनते कैसे हैं, प्लांट रेसिड्यू से, एनिमल रेसिड्यू से या ऑर्गेनिक रेसिड्यू से। तो ये सारे जो रेसिड्यूज़ हैं ये हमारे प्लांट या क्रॉप डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती है, इनका यूटिलाइजेशन इंश्योर करवाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, जो कि इनको डिकम्पोज करते हैं, जो कि इनको यूटिलाइजेबल फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है या कुछ फंगस है, वो इसका काम करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के तौर पे बायो फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, एक नाइट्रोजन फिक्सर के तौर पे और एक फॉस्फेट सोल्यूबिलाइज़र के तौर पे। नाइट्रोजन फिक्सर का मतलब आप समझते हो कि जो या तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, या जो कि डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पे काम करेंगे, या फिर जो फॉस्फेट्स होता है, फॉस्फेटिक मिनरल है जो कि अर्थ में अवेलेबल है, इस मिनरल को सोल्यूबलाइज करते हैं, मतलब कोई कंपाउंड बनेगा उसमें फिक्स करने का काम करते हैं। तो ये दूसरा काम हो गया बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र के तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स का, बायो फर्टिलाइजर्स का, तो ये यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। देखो, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के कुछ नाम हैं, एजेटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम वेसेलस, पॉलीमाइक्सा। फ्रीली लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग BGA, तो उनके नाम है नोस्टॉक, एनाबाइना, एल्यूसीरा। अब कुछ ऐसे वाले जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने वाले, मतलब जो किसी प्लांट के साथ रिलेशन में रहेंगे वैसे वाले बैक्टीरियाज, जैसे कि राइजोबियम, जो कि जो पल्सेस होती हैं, दाल होते हैं, दाल की जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें रहते हैं। फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने वाले BGAs, जैसे एनाबाइना, एजोला इन एजोला प्लांट।
माइक्रोहिजा ये एक और स्पेशल बायो फर्टिलाइजर है जिसका एग्जाम्पल है एक्टी माइक्रो माइक्रोइजा। एक एक करके बात कर लेते हैं, जैसे जो ऐसे बैक्टीरिया जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं एजेटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रीली लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग BGAs की, तो इनके एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक, एनाबाइना या फिर उलोसीरा। ये क्या करते हैं, मेक स्पेशल सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं, इस तरीके के सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये जो BGAs होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है पैडी फील्ड्स में, यानी राइस फील्ड्स में, ठीक है। तो फ्रीली लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ये BGAs हो गए। अब बात करते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशंस में जो बैक्टीरियाज रहते हैं, तो राइजोबियम इसका बेस्ट एग्जांपल है, बस इसी को याद कर लीजिए। ये क्या करता है, हवा में से नाइट्रोजन को लेता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और जो अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पर काम करती है। बेस्ट एग्जाम्पल है पल्सेस यानी दालों में जो राइजोबियम होता है। अगर BGAs की बात करें तो अगेन जो सिम्बायोटिक वाले BGAs होते हैं, यानी जो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, वो एजोला में एनाबाइना एजोला। माइक्रोहिजा की अगर हम बात करें, ये एक और हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर के तौर पे काम करता है। ये क्या करते हैं, सॉइल में से कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट को प्रोवाइड करते हैं सोल्यूबलाइज्ड फॉर्म में। तो इसी के साथ हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट है, चैप्टर है, टॉपिक है, वो समाप्त होता है। लेकिन इसमें एक और एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये बताता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है एग्रीकल्चर में। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था प्रोफेसर हिगा के द्वारा 1982 में। किसके द्वारा, प्रोफेसर हिगा के द्वारा 1982 में। तो इन्होंने ये बताया, इसमें इन्होंने ये बताया कि जो तीन टाइप के स्पीसीज होते हैं, एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दूसरे ईस्ट फंगल और दूसरा फोटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज, इनकी मदद से कुछ स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। और ये जो तीनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये इंडस्ट्री और नेचर में एम्पल अमाउंट में अवेलेबल हैं, जिनको हम कलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, ये क्या करती है, ये एक तो देखिए क्रॉप की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, यानी फूड को प्रिपेयर करने की, यानी ग्रो, क्योंकि जब प्लांट फूड प्रिपेयर करता है तो वो जल्दी ग्रो करेगा, बड़ा होएगा, तो उसके बड़े होने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यानी ये जो इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो एक तो कैसे मदद करेगा, क्योंकि देखिए इसमें फोटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये एक तो हमारे जो क्रॉप होती है उसकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, दूसरा ये जो प्लांट को पेस्ट या डिसीजेस से बचाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बैक्टीरिया और फंगस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा तीसरा, ये सॉयल की जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है, कौन सा, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्लियर है। तो अभी जो मैंने लेक्चर के दौरान आपसे दो क्वेश्चन पूछे कि भैया ऑर्गेनिक स्टेट, हमारे देश का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, दूसरी चीज आप ये बताइए कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर दी कन्वेंशनल फार्मिंग, ये बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको अगर पता हो एवर ग्रीन रेवोल्यूशन करंट अफेयर का टॉपिक है जिसके बारे में हमारे कैबिनेट्स में, गवर्नमेंट में बात चल रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन और एवर ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ये दो तीन क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे आप उनके आंसर्स देना, और आप कमेंट करके ये बताना ये लेक्चर कैसा लगा, आप अपना फीडबैक भी देना, फाइन। तो नेक्स्ट, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर सो सिंसियरली एंड टिल द लास्ट। दोस्तों अगर अब आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो आप सेम लेक्चर को दो से तीन बार देख लीजिए, ठीक है, सो देट हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समा जाए। उसके अलावा अगर दोस्तों दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके जवाब प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में दें, और अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट होता है, चाहे इस लेक्चर के रिलेशन में या आपकी पूरी एग्जाम प्रिपरेशन के किसी भी एस्पेक्ट के रिलेशन में, तो आप मुझे straight01990@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं,
मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं, इज दैट क्लियर? उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई भी रिसोर्सेज को लोकेट करने में इशू हो रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वेबसाइट है www.straightzero.in और ये मेरा रेफरल कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा, इज दैट फाइन? तो चलो, ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस लेक्चर. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, दस विदानिया.